फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। सनई चौगड़े बजने लगे। हकीम दाई सभी व्यवस्था करने में जुड़ गए। सभी की भागदौड़ शुरू हो गई थी और तभी खुशी की खबर आई, लड़का हुआ है लड़का। 19 फरवरी 1630, अविस्मरणीय सुनहरा दिन। लड़के का नाम रखा गया शिवाजी, शिवाजी, शिवाजी। धन्य है ये शिवनेरी किला जिसने सबसे पहले शिवाजी महाराज के पदस्पर्श का अनुभव लिया। आज ही के दिन 1630 में हुआ था मराठा साम्राज्य के पहले शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म। शिवाजी महाराज साहस और शौर्य की मिसाल थे। शिवाजी महाराज ना ही केवल एक कुशल सेनापति, एक कुशल रणनीतिकार, एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे, बल्कि उसके साथ साथ वो एक कट्टर देशभक्त भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के सबसे महान राजाओं में से एक है। उनकी युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती है। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। तो आज के इस सुनहरे मौके पर सैर करते हैं शिवनेरी किले की। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गई हूँ शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों से पावन हुई भूमि पे। मुझे एक अलग ही एहसास हो रहा है यहाँ पे आके कि यही वो धरती है, यही जगह है जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और यहाँ पे उन्होंने अपने बचपन के 2 साल यही धरती पर निकाले। शिवनेरी किले में जाने के लिए आपको टोटल 7 डोर्स लगते हैं, 7 दरवाजे। उसमें से ये सबसे पहला दरवाजा है, उसका नाम है महादरवाजा, मेन गेट। तो ऐसे 7 डोर से हमें जाना पड़ता है, उसके बाद बाले किला आता है। तो ये सबसे पहला है महादरवाजा। अगर आप देखेंगे तो पहले फोर्ट में सिक्योरिटी कितनी टाइट रहती थी, यहाँ पे डोर के यहाँ पे पहले सिक्योरिटी गार्ड रहते ही थे। और अगर आप देखेंगे तो हर एक दरवाजे के बाजू में से ऐसे स्टेप्स जा रहे हैं ऊपर ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी शायद सिक्योरिटी के लिए लोग बैठते रहेंगे। तो अभी हम आए हैं सेकंड दरवाजे की तरफ। सेकंड दरवाजे का नाम है गणेश दरवाजा। अगर आप इसका स्टाइल देखेंगे दरवाजे का, तो पहले दरवाजे से बहुत ही डिफरेंट है। जो पहले महादरवाजा लगा था उसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और ये सेकंड दरवाजे का देखेंगे तो बहुत ही अलग है। अलग अलग लोगों का रूल होने के कारण यहाँ पे जो दरवाजे भी है वो अलग अलग रूल के टाइम पे बांधे गए। इसके लिए अगर आप हर एक दरवाजा देखोगे तो हर एक दरवाजे का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बहुत ही अलग है। ये दरवाजा मुझे निजामशाही के टाइम का ऐसा टाइप लग रहा है, कोई मुगल या निजामशाही के टाइप का लग रहा है। डोर भी देखोगे ना दरवाजा, तो दरवाजे का भी स्टाइल अलग है, आर्किटेक्चर पूरा अलग है पहले दरवाजे से। अभी ये जो नेक्स्ट दरवाजा है वो पूरा टूट चुका है, कुछ बचा नहीं है उसका, जस्ट पिलर्स है कुछ। तो नेक्स्ट दरवाजे से होते हुए हम अगले दरवाजे पे चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट दरवाजे पे आए हम पीर दरवाजा। अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर देखने के बाद ये पेशवे कालीन, पेशवे रूल के दरमियान ये डोर बांधा रहेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो ज़्यादा करके मराठा रूल में, मराठा पेशवा रूल में ज़्यादा यूज़ किया करते थे। शिवनेरी जो किला है वो पुना सिटी के जुन्नर सिटी में बसा हुआ है। नाने घाट करके माउंटेन रेंजेस में शिवनेरी किला है। अगर आप देखेंगे तो चारों साइड से चढ़ने के लिए कठिन ऐसा बाले किला ये शिवनेरी किले पे है। पीर दरवाजे के बगल में ही तानाजी मालुसरे उद्यान है। यहाँ से चलते चलते थकान हो गई तो बैठने के लिए, शांति से नीचे व्यू देखने के लिए बहुत अच्छा उद्यान बनाया है यहाँ पे, गार्डन। और मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड कि ये जो फोर्ट है वो इतना क्लीन है, यहाँ पे इतना क्लीन और इतना मेंटेन किया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारे, सीरियसली मतलब इतना अच्छा लगता है जैसे फॉरेन कंट्री में घूम रहे ऐसा लग रहा है।
पत्थर को ही काट के स्टेप्स बनाए हैं ऊपर जाने के लिए। ये है हत्ती दरवाजा। हत्ती दरवाजे से आगे आने के बाद एक रास्ता शिवाई मंदिर की तरफ जाता है और एक रास्ता जाता है शिव जन्म स्थान, यानी शिवाजी महाराज का जहाँ पे जन्म हुआ वो वाड़े पे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था और 1630 से 1632 यानी जब वो दो साल के थे, दो उम्र के थे, तब तक उन्होंने अपना पूरा समय शिवनेरी किले में निकाला था। ये मिसकंसेप्शन है कि शिवाजी महाराज का नाम शिव भगवान से रखा गया था, पर एक्चुअली ये गलत है। शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था शिवाई मंदिर, यानी जो शिवाई मंदिर की जो देवी है शिवाई देवी, उनके नाम से शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था। शिवाजी महाराज की माता जी जीजा माता जी शिवाई मंदिर में देवी को नवस किया था कि अगर मुझे लड़का हुआ तो उसका नाम मैं आपके नाम से रखूंगी, और वैसे ही हो गया। इसके लिए जीजा माता ने अपने बेटे का नाम शिवाई देवी के नाम से रखा, यानी शिवाजी। ये दरवाजा है शिवाई मंदिर का। शिवाई मंदिर के पीछे जो पहाड़ है वहाँ पे बहुत सारे केव्स हैं, जो बहुत ही पुराने केव्स हैं। यहाँ पे दो ऊपर जाते वक्त दो मुझे स्टोरेज, पानी के स्टोरेज दिखाई दे। हत्ती दरवाजा पार करते हुए हम आए हैं मेड़ा दरवाजे की तरफ। अगर आप मेड़ा दरवाजा का स्ट्रक्चर देखोगे, आर्क देखोगे, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखोगे, तो पूरी तरह से अलग दिख रहा है। इसका दरवाजा देखो छोटा लग रहा है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये मुगल या निजाम शाही के टाइम का रहेगा। तो अभी हम आ चुके हैं अपने सबसे आखिरी दरवाजे पे, वो है कुलूप दरवाजा। 1632 के आसपास शिवाजी महाराज और जीजा माता ने ये किला छोड़ दिया था। उसके बाद 1637 में ये किला चला गया मुगलों के पास। शिवाजी महाराज ने भी दो बार ये किला जीतने के लिए ट्राई किया था, पर वो उसमें सफल नहीं हुए। आखिर में शिवाजी महाराज के ग्रैंडसन शाहू महाराज ने ये किला जीता मुगलों से और ये किला पेशवा के रूल में आया था। लास्ट दरवाजा पार करके जब हम किले पे चढ़ते हैं तो सामने ही आता है अंबर खाना। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे अंबर खाना है। अंबर खाना यहाँ पे जहाँ पे ग्रेन स्टोर करके रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि 1000 परिवार को 7 साल पूरेगा इतना अनाज ये किले पे स्टोर किया जाता था। 7 दरवाजे पार करने के बाद फिर आता है पहाड़ी रास्ता। हमें कुछ पहाड़ जैसा चढ़ना पड़ता है, प्लेन रास्ता है, थोड़ा चढ़ान भी है, प्लेन भी है, तो ट्रेकिंग टाइप का एक्सपीरियंस आता ही है करने के टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, पहाड़ी रास्ता है ऐसा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से वो भूमि जहाँ पे शिवाजी महाराज का पदस्पर्श पहले हुआ था। अभी यहाँ से हमको स्ट्रेट जाना है। मैंने नीचे से आते हुए देखा कि बहुत सारे पानी के स्टोरेज ऐसे नेचुरली यहाँ पे किए गए हैं, नेचुरल टैंक जिसे हम कह सकते हैं। ये है शिवकुंज, शिवाजी महाराज की याद में यहाँ पे शिवाजी महाराज और जीजा माता का स्टैचू बनाया गया है, जिसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने बनाया है ये स्मारक को। तो ये है जामा मस्जिद। तो ये मस्जिद के बराबर नीचे है कमानी टैंक और एक वाटर टैंक। तो मैं अभी आई हूँ हमाम खाना। तो हमाम खाने के बराबर थोड़ा आगे सामने ये अभी कुछ नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, कि ये सब शॉप्स थे, तेल बेचने के, अगरबत्ती बेचने के, इत्र बेचने के, मालिश करने के, ऐसे बहुत सारे दुकान यहाँ पे रहते थे। तो एक तरीके से एक मार्केट एरिया कह सकते हैं, पर अभी इधर कुछ बचा नहीं है, कुछ भी स्ट्रक्चर बाकी नहीं है। तो ये हमाम खाने के अंदर जाके देखते हैं कि कैसे रहते थे पहले के हमाम खाने। अगर आप इसके वॉल देखेंगे ना, तो वॉल में एक मस्त कार्विंग की हुई है, और ये अभी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, थोड़ा बहुत डिज़ाइन दिख रहा है, पर पहले इसमें पेंटिंग भी थी, कलर भी किया था उसमें, कलरिंग था उसमें, पर अभी कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बाथ टब था, पहले के ज़माने का बाथ टब, और यहाँ से गर्म पानी आने की भी अरेंजमेंट थी।
बाहर से गर्म पानी आता था, हम बाहर से जाके ट्राई करेंगे देखने का कुछ है क्या। यहाँ से शायद देख सकते कि यहाँ से पानी आता था, तो वो पूरा गर्म पानी आता था यहाँ से। और यहाँ पे ड्रेनेज है, ड्रेनेज की भी प्रॉपर अरेंजमेंट थी, जो पानी था वो बाहर जाने के लिए भी अरेंजमेंट किया था, जो डायरेक्टली नीचे जाता था फोर्ट के नीचे। अभी आप ऊपर देख सकते हो नेचुरल राइट यहाँ पे भी। देखिए यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं, नीचे टैंक है और वहां से वो होल है जो अभी पत्थर डाल के बंद किया गया है, तो वहां से वो डायरेक्ट पानी जाता था। और ये जो हम अभी अंदर गए थे हमाम खाने के अंदर, वहां से वो पानी अंदर जाता था। तो फाइनली मैं ये जगह पे आ गई हूँ जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, शिवाजी महाराज का बर्थ प्लेस। यही वो जगह है जहां से मराठा साम्राज्य के इतिहास की शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज का जन्मस्थान की जो बिल्डिंग है वो बेसिकली दो फ्लोर्स की है, नीचे जहां पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, और ऊपर का जो फ्लोर है वो बाद में बांधा गया है ऐसा कहा जाता है। ऊपर वाली मंजिल में आई हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जुन्नर सिटी नीचे दिखता है, पूरा जुन्नर सिटी यू कैन सी फ्रॉम हियर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि के बगल में ही तालाब है, बादामी तालाब जिसे कहते हैं। आप वहाँ पे दो रूम देख सकते हैं सामने बादामी तालाब में। क्या होता था वो टाइम पे बहुत गर्मी होती थी समर में, तो गर्मी के टाइम पे वो तो क्या करते थे, ये तालाब में पानी जो रहता था ठंडा, उसके वजह से ठंडक आजू बाजू में किधर भी पानी रहता है तो वहाँ पे ठंडा रहता है हमेशा, तो इसके लिए इसको ये रूम्स को वहाँ पे बनाया गया था, वो दो छोटे छोटे रूम्स को। बादामी तालाब से जो स्ट्रेट रोड जाता है वो जाता है कड़ेलोड टोक की तरफ। कड़ेलोड टोक जो है वो 1500 फुट हाइट पे है, और इसका इस्तेमाल किया जाता था जो कोई गुनेगार रहता था उसको पनिशमेंट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एज अ पनिशमेंट उनको ये टोक से नीचे खाई में फेंक दिया जाता था। वैसे तो शिवाजी महाराज के साम्राज्य में 350 के आसपास किले थे, पर शिवनेरी खास ही है, इसका महत्व कुछ और ही है। मुझे लगता है हर एक भारतीय ने अपने लाइफ टाइम में एक बार शिवनेरी किला देखना ही चाहिए, इसलिए आज के पवित्र दिन में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए मैंने आपको शिवनेरी किले की सैर करवाई। आप सभी को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।